हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो राइस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनअकैडमी स्टूडियो राइस के ऊपर। माय नेम इज प्रतीक नायक और मैं अपनी टीम के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। वंस अगेन आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय टीम, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए डेली लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। और मैं अभी तक आप लोग के साथ बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट विल बी मेनली रिलेटेड टू द प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। अब PIB एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में उभर के आया है और बहुत ही जल्द इसके ऊपर हम लोग डेली समरीज के सेशंस भी लेना शुरू कर देंगे। तो मेरे साथ जुड़ते रहिए, बने रहिएगा। आप लोगों को 2020 की जो प्रीलिम्स है उसके लिए करंट अफेयर्स के कैसे तैयारी कर रहे हैं वो भी मैं आपको समझाता रहूंगा। मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक दे देता हूँ। ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हूँ ये फील्ड के अंदर, पिछले 6 साल से ऑनलाइन ऑफलाइन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी तैयारी करा चुका हूँ। मैं प्लस के ऊपर भी पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ही जल्द मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हिस्ट्री के ऊपर आने वाला है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्रोच मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कैसे तैयारी की जाती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और प्लस के ऊपर मेरे अलावा आपको और भी एग्जामिनर्स मिल जाएंगे, एजुकेटर्स मिल जाएंगे। प्लस को आपको कैसे अप्रोच करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप लोग ऐप स्टोर के ऊपर जाइए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए। आज आखिर में लास्ट डे है, याद रखेगा। द रेट्स आर सब्जेक्ट टू रिविजन फ्रॉम 2019 फर्स्ट अक्टूबर, और मेरा कोड यूज़ कीजिए। हम लोग आपको 35,000 में एक साल के फीस के ऊपर आपको तैयारी करा रहे हैं, बट इफ़ यू यूज़ दिस कोड तो ये आपका 31,500 में हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आज 30th September है, कल से शायद आपके रेट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो आप इफ़ यू आर प्लानिंग, टुडे इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई वुड से, आप इसके ऊपर भी सोच सकते हो। 2 साल का कोर्स जिन जिन लोगों को लेना है वो 56,000 रुपीज पे कर सकते हैं। 2 ईयर्स में भी आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। वहां पे भी मेरा PN नाम का जो कोड है वो यूज करिएगा, आपके लिए एडवांटेजेस होगा, बच्चे आपके पैसे बच जाएंगे और आपको घर बैठे एकदम हाई क्लास तैयारी भी हो जाएगी। खैर, ये प्लस का कैसे यूज करना है, ऐप स्टोर के ऊपर जाइए, डाउनलोड कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। अनअकैडमी की जो इनफैक्ट प्लस का प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, वहां पे भी आपको PN नाम का कोड ही यूज करना है, याद रखेगा। 35,000 आज लास्ट डे है, तो उसके ऊपर भी आप सोच लीजिए एक बार कि कैसे तैयारी करनी है आपको। खैर, हम लोग आज के सेशन के ऊपर चले जाते हैं और PIB को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पिछले 2-3 दिन के अंदर काफी न्यूज के अंदर था, तो मुझे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे रिगार्डिंग PIB तो वो मैं आपको आज करा रहा हूँ। जैसे प्रेसिडेंट से क्या आया है, वाइस प्रेसिडेंट से क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन, फिर अलग अलग मिनिस्ट्रीज के रिपोर्ट आते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो डेली आपका PIB होगा उसको आप एक बार खोल के देखोगे तो मैंने वहां से एक समरी बनाया हुआ और वहां से पोटेंशियल क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको कराया है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट शुड एस्टेब्लिश रीजनल बेंचेस। हाँ, वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवार्ड्स की बात की गई है, सरस्वती सम्मान के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये पोटेंशियल क्वेश्चन है पॉलिटी को लेके, हिस्ट्री को लेके, कल्चर को लेके, तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एटलीस्ट आप प्रिपेयर करिएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है और ये इसके साथ जुड़ते रहिएगा, मैं अच्छी तरह से आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराऊंगा। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी है वो भी मैं आपको कराता रहूंगा। खैर, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो है CSIR। अब देखो, CSIR का 78th फाउंडेशन डे अभी सेलिब्रेट किया गया। अब CSIR हमारे देश में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये अगर इंस्टीट्यूशन के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो रिसर्च को सपोर्ट करने वाली संस्था है और जिसकी स्थापना 1943 से अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1943 से। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो इसके फाउंडेशन डे के ऊपर गए थे और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम CSIR ने बहुत ही अलग अलग फील्ड्स के अंदर रिसर्च करना शुरू किया है। CSIR एज अ बॉडी, आपको कभी कभी मेंस के अंदर पूछ लेगा कि डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च टू ब्रिंग इनोवेशन एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आपको मेन पॉइंट पता होना चाहिए CSIR को लेके। एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्त, वो है आपका शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। कौन सा है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ये साइंटिस्ट ही हुआ करते थे और इनके नाम का अवार्ड 1957 में देना चालू किया गया था। अब ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के बारे में मैं आपको क्यों बात कर रहा हूं, क्यों एवरी ईयर भारत के अंदर जो 7 साइंटिफिक डिसिप्लिन है वहां पे ये अवार्ड दिया जाता है, वहां पे ये अवार्ड दिया जाता है रिगार्डिंग ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, मेडिकल,
फिर फिजिक्स और इसके साथ साथ केमिस्ट्री, समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड जो साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए है, और जो मोटिवेट करता है प्रिसाइसली साइंटिस्ट को, यंग साइंटिस्ट को। इसके अलग अलग प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो सीएसआईआर जब न्यूज में आई है ना, तो खाली उसका फॉर्मेशन याद रखेगा, खाली उसका फॉर्मेशन याद रखेगा कि सीएसआईएस का फॉर्मेशन कब हुआ था, क्योंकि कभी कभी क्या पूछता है वो सेटअप के अंदर इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्वेश्चन पूछता है। इट गिव्स यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सीएसआईआर। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि यार जब प्रेसिडेंट जैसे महानुभव जाते हैं पीआईबी में, आपको देखना यही है कि कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं या इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारे जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो सब जुड़े हुए। गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट? ठीक है, तो ये इतना पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। और आपके जो प्रेसिडेंट साहब है वो यहाँ पे गए और उन्होंने ये, इनफैक्ट सीएसआईआर का जो फाउंडेशन डे था वो सेलिब्रेट किया था। 78th डे है, याद रखिएगा, 1943 से लेके आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट मिलता रहेगा। उसके बाद सेकेंड जो न्यूज़ आया है अभी, वो चल रहा है आपका वाइस प्रेसिडेंट साहब को लेके। वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट को स्प्लिट कर देना चाहिए, और साथों साथ कह दिया है कि वी शुड सेट अप द रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब भारत में, इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की एक ही सीट है, वो कौन सी है? दिल्ली। पता होगा नहीं पता होगा आपको। और दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की सीट है उसको अगर एक्सपांड कर रहा हो प्रिसाइसली, तो कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 130 के अंदर पॉलिटी में दिया हुआ है। तो आपको पूछ देगा शायद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 130। तो आर्टिकल 130 यही चीज बता रहा है कि इंडिया में अगर सुप्रीम कोर्ट की सीट को बढ़ाना हो, प्रिसाइसली उसकी जो लोकेशन है उसको कहीं और पे बिठाना हो, तो इवेंचुअली डिसाइड करते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे, दिख रहा है आपको, ये शब्द याद रखेगा, मे विथ द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब क्या है कि जब तक सीजीआई प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं ले सकते, तो उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो वो दिल्ली को छोड़ के कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। अब वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्यों ऐसा कहा है? तो उन्होंने यही कहा है कि भाई साहब, ये आपका रीजनल बेंचेस है वो अच्छी रहेगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद है। भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक जाना बहुत ही महंगा हो जाता है। आपको पता ही है कि अवर जुडिशियरी इज आई वुड से वेरी एक्सपेंसिव, द जुडिशियल प्रोसेस इज वेरी एक्सपेंसिव। लोग दिल्ली कितना दूर तक जाएंगे, समझे कि नहीं समझे? तो कोई साउथ इंडिया, कोई अंडमान निकोबार रह रहा है और उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। इनफैक्ट प्रेसिडेंट साहब ने कहा, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा, उसके पहले हमारे लॉ कमीशन के रिपोर्ट आते रहते हैं। ये लॉ कमीशन ने भी कहा था कि भाई भारत के अंदर टोटल 4 जगह पे आप रीजनल बेंचेस बनाओगे तो ठीक रहेगा। कहाँ कहाँ बनाया था? तो दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता एंड मुंबई, ये 4 जगह के ऊपर, या चेन्नई हैदराबाद, दोनों में से एक के अंदर कर दो तो फायदेकारक रहेगा। तो ये चीज भी बोला गया था, पर दिक्कत ये है कि इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब तक नहीं चाहेंगे तब तक उसका एक्सटेंशन कैसे किया जाएगा, नंबर ऑफ सीट्स जो है या उसका लोकेशन ऑफ सीट है उसको कैसे बदला जाएगा, वो वाइस प्रेसिडेंट साहब ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं अभी आज की तारीख के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे। अब मल्टीपल बेंचेस के फेवर में क्या क्या फायदे है, आपको अगर पूछ देगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस हैविंग मल्टीपल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जैसे आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, अगर आपको पता होगा कैट जो है उसका प्रिंसिपल सीट तो एक ही है, बट देर आर 17 बेंचेस ऑफ कैट। तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का भी कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है, वी कैन डू इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। ठीक है, देखो भारत में फायदा ये होगा कि आर्टिकल 39 है जो डीपीएसपी की बात करता है, वो फ्री लीगल एड की बात करता है, उससे कॉन्ट्रारी आपका सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली जाना पड़ता है। सीट दिल्ली है बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट पहले के टाइम के अंदर दिल्ली हुआ करता था, तो उसका एक फायदा ये था कि वो साल के 70-80 जजमेंट ही देता था, एंड देयर वाज मेनली पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बॉडी के रूप में उभर के आई जो मूलभूत न्याय क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र राज्य के संबंध हो, सेंटर स्टेट रिलेशंस हो गए आपके, या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हो गए, उसको लेके ही रेस्ट्रिक्टेड था। आजकल तो क्या हो रहा है कि छोटे से छोटी फैमिली कोर्ट की मैटर्स भी सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, तो ये एक्चुअली बहुत कॉस्टली हो गया है। तो उसको आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दोगे तो ठीक रहेगा। बहुत सारे पेंडिंग केसेस अभी भी बाकी है, तो आप सीट्स लोकल एरिया के अंदर बढ़ाओगे तो फायदेकारक रहेगा। आप ये चीज कर सकते हो, जैसे लॉ कमीशन ने कहा था, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिल्ली में ही रखो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऐसी बेंच रहती है जो मिनिमम 5 जजेस की बेंच से बैठती है। ठीक है, 5, फिर 7, फिर 9, केशवानंदन भारती में तो 13 जजेस बैठे थे। ठीक है, तो यू विल सी प्रिसाइसली, अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं
तो एक ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इसको दिल्ली में रखो और जो लोकल इश्यूज है उसको रीजनल बेंच में दे दो, तो वो भी ठीक रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने वहां तक कहा है कि एक एसओपी बनाना चाहिए रिगार्डिंग द प्रोसीजर इन द सुप्रीम कोर्ट, और कहा चाहिए कि जो जुडिशरी है वो कभी कभी कोर्ट को एडजर्न कर देती है। आपने देखा ही होगा जिसे हम लोग कहते हैं एडजर्नमेंट, तो वो कहती है कि भाई आज कोर्ट एडजर्न हो गया है, कल मिलेंगे, फिर परसों मिलेंगे, या तारीख पे तारीख। यू हैव सीन दैट डायलॉग। ओके, तो ये तारीख पे तारीख जो है वो बहुत ही जुडिशियल आपका डिले हो रहा है। जस्टिस जो डिले होता है दैट इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड, तो उसको भी सुधारने की जरूरत है। इंक्लूडिंग उन्होंने तो वहां तक कहा है कि टाइम लिमिट ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस होना चाहिए। अब देखो, डिस्पोजल ऑफ केसेस को लेके आप टाइम लिमिट कर दोगे तो जस्टिस में हरियल होगा, क्या होगा, देयर विल बी आई वुड से हरी इन जस्टिस, और उसमें अगर आपने न्याय देने में भगा दौड़ी कर दी तो देयर कैन बी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एज वेल। हाँ, तो इसके पॉजिटिव्स और इसके नेगेटिव्स याद रखेगा आप लोग, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो कभी सोचेगा इसके बारे में। मैं तो आपको एक समराइज पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूं। दिक्कत यह है कि सीजीआई के पास पावर है रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ मल्टीपल बेंचेस, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब डिसाइड करेंगे तभी ये होगा, तभी ये होगा, ठीक है। तो एक ये पॉइंट याद रहेगा आपको, किस किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बताया है। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट साहब के साथ जुड़ा हुआ इशू है, वो है वर्ल्ड टूरिज्म डे का जो सेलिब्रेशन है वो। अब वर्ल्ड टूरिज्म डे कौन सेलिब्रेट करता है याद रखेगा, दैट इज सेलिब्रेटेड बाय UNWTO। कौन सेलिब्रेट करता है याद रखेगा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब खासियत यह है कि इस साल 27 सितंबर को दिल्ली के अंदर सेलिब्रेट किया गया, और उसी दिन हमारा नेशनल टूरिज्म अवार्ड भी दिए गए, ठीक है। अब टूरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी, आपको पता ही होगा कि इकोनॉमी के अंदर टूरिज्म का क्या रोल है, और टूरिज्म का डेवलपमेंट आपका GDP से लेके हर एक चीज के अंदर मदद कर सकता है, तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। दिक्कत यह है कि एक रिपोर्ट आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रैंक, उसमें इंडिया का रैंक 34th है, तो वी नीड टू गो अप इन द लैडर, तो उसके लिए हमको प्रयत्न करने पड़ेंगे। भारत सरकार ने एक तो भारत दर्शन और ये सब योजनाएं चालू किया है, बहुत लोगों को कहा है, इंक्लूडिंग इस साल के बजट में सरकार ने, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि वो 17 लोकेशंस को टूरिस्ट सेंटर्स के रूप में डेवलप करेगी। वो 17 लोकेशन कौन सी है वो सब याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे ही पढ़ा रहा हूँ, ये सब मेन मेन लोकेशन है, दिस आर द 17 प्लेसेस जहां पे आपके जो टूरिज्म के मेन एरियाज है उसको फोकस किया जाना है, और आपकी जो मेन मेन जगह है वहां पे ये टूरिज्म का डेवलपमेंट होने वाला है। ये वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो भारत गवर्नमेंट ने ये नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स भी डिक्लेयर किए थे। ये नेशनल टूरिज्म अवार्ड पिछले साल के थे, दिस अवार्ड बिलोंग टू द लास्ट ईयर याद रखेगा, बट फर्स्ट रैंक आंध्र प्रदेश को मिला है जो ओवरऑल अवार्ड्स में सबसे नंबर वन लोकेशन पर है। आंध्र प्रदेश हैज बीन गिवन द फर्स्ट रैंक इन द नेशनल टूरिज्म अवार्ड रिगार्डिंग द ओवरऑल ग्रोथ इन द टेंपल एज वेल एज द कोस्टल टूरिज्म। उसके बाद गोवा और MP को जॉइंट एडवेंचर के लिए जॉइंट रैंक दिया गया एडवेंचर टूरिज्म के लिए, उत्तराखंड को फिल्म प्रमोशन के लिए, और तेलंगाना को IT सेक्टर का यूज करने के लिए इन द टूरिज्म। समझे कि नहीं समझे आप लोग, तो टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड टूरिज्म डे का दिन याद रखेगा, दैट इज 27 सितंबर। कभी कभी करंट अफेयर्स में पूछ देता है एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, तो ये पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम था अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। कौन सा स्कीम था? अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम कौन सी स्कीम थी बताओ भाई? अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम एक ऐसी स्कीम हुआ करती है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल 93 मॉन्यूमेंट्स जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, गवर्न किए जाते थे, उसको प्राइवेट सेक्टर को, या कभी कभी अगर आप देखने की कोशिश करोगे पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को देगी, और ये जितने भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उसको CSR के रूप में, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, आपकी जो हेरिटेज साइट से उसका मैनेजमेंट करेंगे, तो अच्छी बात है। उनको मॉन्यूमेंट मित्र का दर्जा भी दिया जाएगा। मॉन्यूमेंट मित्र मतलब जब तक उन्होंने 4, 5, 10 साल के लिए ये हेरिटेज को अडॉप्ट किया है मॉन्यूमेंट को, तब तक उनका जो पूरा का पूरा संचालन यही लोग करेंगे, उसके ऊपर टिकट्स होगी, उसके ऊपर रेवेन्यू होगी, तो उनका भी थोड़ा 2 पैसा मेंटेनेंस में निकल जाएगा, और आपका जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ मॉन्यूमेंट है काफी अच्छा होगा। तो इट्स अ प्राइम एग्जांपल ऑफ PPP स्कीम याद रखिएगा, इट्स अ प्राइम एग्जांपल ऑफ PPP स्कीम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो स्कीम है वो आपको यहां से मिलती रहेगी। अब देखिए, विच आर द मेन मेन एरियाज ऑफ अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम, तो टोटल 93 है,
देर आर 93 साइट्स अभी आज की तारीख में 10 हेरिटेज साइट्स को अडॉप्ट कर लिया गया है। जैसे अगर आप देखोगे तो हजार रामा टेम्पल हम्पी के अंदर है, फिर आपका लद्दाख के अंदर है, उसके बाद गंगोत्री के आजू बाजू वाला एरिया है, उसके बाद गांधी कोटा फोर्ट है, फिर रेड फोर्ट है, उसके साथ साथ कुतुब मीनार है, अजंता है, लेह का पैलेस है जम्मू कश्मीर के अंदर, जंतर मंतर एंड सूरज कुंड, सूरज कुंड इज इन हरियाणा, ठीक है। तो ये 10 साइट्स अभी याद रखेगा जो अडॉप्ट हेरिटेज के अंदर ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर ने ले लिया है, देर विल बी अदर साइट्स एज वेल, टोटल 93 साइट्स को अडॉप्ट हेरिटेज के अंतर्गत देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका सरस्वती सम्मान। अब सरस्वती सम्मान हमेशा याद रखेगा कि ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने लिटरेचर में खास करके अच्छा काम किया हो, और इंडिया की जो 8th स्केड्यूल है, 8th स्केड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेज है, 22, तो 22 लैंग्वेजेस के अंतर्गत, 22 लैंग्वेजेस के अंतर्गत अगर आपने अच्छा साहित्य लिखा हो, इफ यू हैव रिटन गुड लिटरेचर, तो हमेशा याद रखेगा कि सरस्वती सम्मान आपको मिल सकता है। अब सरस्वती सम्मान गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता, याद रखेगा। सरस्वती सम्मान अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इट इज गिवन बाय इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज द के बिरला फाउंडेशन। कौन सा है? के बिरला फाउंडेशन। और इस साल का सरस्वती सम्मान दिया गया है के सिवा रेड्डी साहब को। किसको दिया गया है? के सिवा रेड्डी साहब, यू कैन सी ओवर हियर। और इनको किसके लिए दिया गया है याद रखेगा, तो ही इज बीन अकॉर्डेड दिस थिंग फॉर द तेलुगु लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज के लिए उनको दिया गया है, ये भी चीज याद रखेगा। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए भी दिया जाता है, जैसे भारत रत्न में नहीं देते, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, और 1991 से इसको देना शुरू किया गया था। सबसे पहले सरस्वती सम्मान के अवार्डी थे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन आपको पता ही है, अमिताभ बच्चन के फादर हुआ करते थे। भारत में जो अवार्ड है जिसे गवर्नमेंट और बहुत लोग मानते हैं, जो सबसे पीक अवार्ड है, सबसे मतलब फेमस अवार्ड है, उसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड, याद रखेगा, दैट इज द ज्ञानपीठ अवार्ड। बहुत सारे लिटरेचर में अवार्ड दिए जाते हैं, बुकर प्राइज है, पुलित्जर प्राइज है, वो सब भारत के बाहर दिए जाते हैं, ये सब विद इन इंडिया दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आएगा। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर पीएम ने संबोधित किया है, तो वो तो सब लोग को पता ही है, और वो ऑलरेडी काफी सारे करंट अफेयर्स में कवर हो चुका है, तो आई विल नॉट कवर दैट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि पीएम ने बहुत सारे डिफरेंट लीडर्स को वहां पे मिले, द प्राइम मिनिस्टर मेट नंबर एंड नंबर ऑफ लीडर्स इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और वो है ना कि साइड ट्रैक मीटिंग चलती थी, उस टाइम पे पीएम बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट से मिले, उसमें एक शब्द आया कैरीकॉम। कौन सा आया? कैरीकॉम। अब कैरीकॉम क्या है उसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। कैरीकॉम अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो उसका नाम है कैरिबियन कम्युनिटी। क्या नाम है? कैरिबियन कम्युनिटी। कैरिबियन कम्युनिटी इफ यू कैन सी इन दिस मैप, अगर आप ये मैप के अंदर देख पा रहे हो, तो आपके लैटिन अमेरिका, जो साउथ अमेरिका का रीजन है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, उसके बीच के कंट्रीज आपको मिलेंगे यहां पे। कहां पे? यहां पे। दिस इज द नॉर्थ अमेरिका, दिस इज द साउथ अमेरिका, और उसके बीच के कंट्रीज आपके कैरिबियन कंट्रीज के रूप में कहा जाता है। ये कैरेबियन कंट्रीज अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसमें 15 फुल टाइम मेंबर्स है आज की तारीख के अंदर, और ये सब के सब कंट्रीज छोटे 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 आइलैंड्स है, याद रखेगा। उसमें आपका ये केमेन आइलैंड्स भी है, अगर आपको पता होगा केमेन आइलैंड्स के बारे में, तो भारत से एक फ्यूजिटिव ऑफेंडर के रूप में इकोनॉमिक ऑफेंसेस करके इनफैक्ट एक बिजनेसमैन चले गए थे, मेहुल चौकसी उनका नाम है, तो वो काफी न्यूज के अंदर था। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको छोटे 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 और भी आइलैंड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जो प्रिसाइसली इसका पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो कैरिबियन कम्युनिटी एक तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है, और उसके कौन से कंट्रीज इसके पार्ट है, कौन से नहीं है। अब ये कैरिबियन कंट्रीज जो है, ये दिस आर क्वाइट स्मॉल आइलैंड कंट्रीज। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है याद रखेगा कि ये बॉडी जब बन के आई तो कहते हैं कि हवर प्राइम मिनिस्टर हैड द फर्स्ट एवर मीटिंग With all the leaders at a regional forum, तो ये सबसे पहली मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रीजनल फॉर्मेट में इनके साथ हुआ है। पहले पहले क्या होता था कि इंडिविजुअली किसी को मिल लेते थे कि भाई चलो एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर गए, बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर गए, ट्रिनिडाड टोबेगो के प्राइम मिनिस्टर गए, बट वो था कि एक ग्रुप के रूप में मिलना, क्योंकि ये छोटे आइलैंड कंट्रीज है, आप उसको इंडिविजुअली मिलोगे तो हो सकता है कि कुछ कुछ आइलैंड अपने दिल्ली से भी छोटे होंगे या बॉम्बे से भी छोटे होंगे और कंट्री बन गए होंगे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये छोटे टापू आइलैंड है यार, दिस आर वेरी स्मॉल आइलैंड, उसको SIDCs कहते हैं। क्या कहते हैं? SIDCs कहते हैं। तो उनको है ना स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है। अब उनके लिए हमारा इंपॉर्टेंस क्या है? हमारा इंपॉर्टेंस क्या है कि द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको ग्रांट भी दिया $14 मिलियन का,
इंक्लूडिंग 150 मिलियन का एक क्रेडिट लाइन दिया गया है। क्रेडिट लाइन का मतलब क्या है कि वापिस देना पड़ेगा आपको, फोकट में नहीं दे रहे हम लोग, ठीक है, याद रखिएगा। और खास करके जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके अंदर हम लोग उनको पैसा देंगे। हमने उनको वहां तक कहा है कि भाई आप आईएसए के अंदर जुड़िए और कैरिकॉम कंट्रीज आर रेडी टू ज्वाइन द आईएसए इंक्लूडिंग द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहुत ही आज की तारीख में इंपॉर्टेंट हो रहा है, इंडिया उसको लीड कर रहा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैरिकॉम कंट्रीज का एक और लास्ट सिग्निफिकेंस याद रखेगा, यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बहुत आते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब भारतीय मूल के लोग हैं जो वर्षों से वहां पे सेटल हुए थे एज अ पार्ट ऑफ इंडेंचर्ड लेबर्स। किसके रूप में? इंडेंचर्ड लेबर्स, है ना। तो आपके ट्रिनिडाड, टोबागो, जमैका, बारबाडोस, कितने सारे इंडियन ओरिजिन क्रिकेटर्स भी मिल जाएंगे। कैसे नाम है? शिव नारायण चंदर पॉल, चंदर भी है और पॉल भी है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह के नाम आपको मिलेंगे। तो कैरिबियन कंट्रीज का आप मैपिंग देख लीजिएगा कि कहाँ पे है, कौन सा समुंदर वहां पे लगता है, कौन सा ओशन वहां पे लगता है, समझे कि नहीं समझे। और ये जो जगह है, दिस इज द पनामा, आपको ये भी पता होना चाहिए उसके आजू बाजू में कौन से कंट्रीज है, सबसे नजदीक में कौन सा आइलैंड आ रहा है, तो उसका मैपिंग आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। तो कैरिकॉम कंट्रीज का इंपॉर्टेंस था। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है एनडीएमए। क्या नाम है? एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की खासियत क्या है कि इसकी स्थापना 2005 के अंदर की गया था, एंड दिस वॉज द 15th फाउंडेशन डे, इसका 15th फाउंडेशन डे था। और पीएम इज द चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए, इसके लिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इनफैक्ट हमने एक कानून पास किया है जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे टॉपिक देखोगे तो काफी लंबा और वास्ट टॉपिक है, तो अभी आज की तारीख में हम लोग उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, खाली मैं आपको इंस्टीट्यूशन बता देता हूँ। एनडीएमए जो सबसे मेन बॉडी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रिसाइसली अगर आप देखोगे वो आपके डिजास्टर के लिए काम करती है। उसके अंदर में ही एक फोर्स आती है एनडीआरएफ, पर एनडीआरएफ का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, याद रखेगा। वो वहां से जितने भी उसके अंदर जो है ना आपके बोट चलाते हैं, फिर कहीं आग लग जाती है तो आपके डिजास्टर वाले पहुंच जाते हैं अर्थक्वेक के लिए, तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है आपकी। वो जो फोर्स है उसके अंदर आपके डेप्यूटेड ऑफिशियल्स आते हैं, जैसे उसके जो डीजी होते हैं वो जनरली आईपीएस ऑफिशियल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको फैक्चुअल डेटा पता होना चाहिए कि कैसे चलता है। इस बार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो फायर सेफ्टी सबसे मेन थीम है, फायर सेफ्टी इज द मेन थीम ऑफ दिस ईयर्स फाउंडेशन डे। मतलब क्या है कि उसका जो फॉर्मेशन हुआ उसके 15वें साल में ये फायर। अब देखो फायर सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अमेजोन में भी फायर अभी आपको पता होगा, फिर आपके मैनमेड फायर सूरत के अंदर इफ यू आर अवेयर कि बहुत ही एक इंसिडेंट हो गया जहां पे आग लगने से बहुत सारे लोग बच्चे इनफैक्ट दे पास गए, ओके। तो इसके लिए फायर सेफ्टी के लिए अवेयरनेस का इस बार थीम है। हम लोग डिजास्टर को लेके याद रखेगा, जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छा काम किया है उनको अवार्ड देते हैं। वो अवार्ड का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। 3 अवार्ड दिए जाते हैं सालाना मैक्सिमम, और 51 लाख रुपीस तक के अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम मॉनेटरी हेल्प भी दी जाती है। इंडिविजुअल्स को भी देते हैं, इंस्टीट्यूशंस को भी देते हैं, और हर साल कब दिए जाते हैं? 23rd जनवरी को। क्यों 23rd जनवरी को? क्योंकि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़िएगा, एनडीए में क्या है, उसको डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक फैक्चुअल है, आपको गिन के मतलब 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। वो थी आपकी INS खंडेरी। अब खंडेरी का इंपॉर्टेंस क्या है? द खंडेरी मेन इंपॉर्टेंस इज इट्स PPP आई वुड से मॉडल, जहां पे आपके मजगांव डॉक्स लिमिटेड ने मेन काम किया है, पर थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर का भी आपको मदद मिल जाएगा। INS खंडेरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसका जो क्रू रिक्वायरमेंट है वो काफी कम है। इसके साथ साथ आपका जो पानी के अंदर ये ज्यादा रह सकता है, इट कैन स्टे इन वाटर फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। इंक्लूडिंग अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कहते हैं कि इसका जो टेक्निक है कंस्ट्रक्शन वो अलग प्रकार से हुआ है, और इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड तो मॉड्यूलर टेक्निक से उसको बनाया गया है। तो कहा जाता है कि मॉड्यूलर टेक्निक का फायदा यह है कि अलग अलग सेक्शंस को एक साथ आप जोड़ सकते हो, तो जल्दी कंस्ट्रक्शन हुआ है, इंडिजीनियसली कंस्ट्रक्शन हुआ है, डीजल पावर के रूप में चलता रहता है। और कहा जाता है कि इसका जब वैक्यूम टेस्टिंग किया गया, वैक्यूम टेस्टिंग का मतलब क्या है कि जब उसको पानी में डाला गया है
तो पहले टेस्ट में ही ये पास हो गया है, ये पहले टेस्ट में ही पास हो गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग अब धीरे 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 हमारी जो पॉलिसी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू वाटर नेवी, क्या कहते हैं, ब्लू वाटर नेवी है, उसकी तरफ हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग को पता होना चाहिए। खंडेरी के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है न्यूज के अंदर, वो था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को लेकर। अब देखो, उसमें दो तीन दिन से पीआईबी के अंदर पीएम किसान योजना के बारे में बताया गया है। अब प्राइम मिनिस्टर किसान योजना तो आपको पता ही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जहां पे दो दो हजार रुपए के ईएमआई के अंतर्गत यू विल सी डायरेक्ट इनकम सपोर्ट किया जाएगा टू फार्मर्स टू अ मैक्सिमम ऑफ 6000 रुपीज। कितना? 6000 रुपीज पूरे साल का। इनफैक्ट ओके, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और किसको दिया जाता है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ही। अब मार्जिनल फार्मर्स की खासियत क्या होती है? उनकी लैंड साइज, उनकी जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, दैट इज लेस देन 1 हेक्टर। अब आज की तारीख में डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में कभी हम लोग बाद में बात करेंगे कि भाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, हाउ इट कैन बी डन। बट डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम के अंतर्गत बोला गया था कि वी नीड टू रिफॉर्म द लॉस। क्या बोला गया था? रिफॉर्म द लॉस। और भारत में जो खेती को लेके, एग्रीकल्चर को लेके जो कानून है, वो है आपका एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट, ये जो एपीएमसी एक्ट है उसको रिफॉर्म करने की बात हो रही है। और ये पीआईबी के आर्टिकल के अंतर्गत एक नए एक्ट का बात किया गया है कि द एपीएमसी शुड बी रिफॉर्म्ड विद द एपीएलएम। एपीएमसी शुड बी रिफॉर्म्ड विद एपीएलएम। अब एपीएलएम क्या है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। ये बिल था, इसको प्रपोज किया गया था 2017 में, जिसका नाम है मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग, इंक्लूडिंग आपका जो एपीएमसी एक्ट जो है 2003 का, उसको इसको खत्म करके ये नया लेके आया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एपीएमसी के अंदर जो दिक्कत आ रही थी वो सब आपकी हट जाएगी। एपीएमसी में क्या हो रहा है कि आपके जो फार्मर्स है, द फार्मर्स आर मेनली कंपेल्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस इन टू दिस फार्मिंग लाइन्स ओनली। बहुत सारे स्टेट्स ने एपीएमसी एक्ट को रिफॉर्म कर दिया है, जैसे महाराष्ट्र है, वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने एपीएमसी के जो नियम है वो बदल दिए हैं, इंक्लूडिंग गुजरात ने भी थोड़े बहुत रिफॉर्म्स किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर को लेके एक नई मार्केट भी शुरू किया, जिसका नाम है ई नाम, आपने सुना ही होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। एक ही प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर को लेके, घुमा फिरा के याद रखेगा कि एग्रीकल्चर इज अ सब्जेक्ट विच इज मेनली कंसर्न विद द स्टेट लिस्ट, समझे आप लोग। तो जब तक आप इसको स्टेट लिस्ट के अंदर से चेंज नहीं करोगे और उसका जो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव है वो नहीं बदलोगे, तब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट बीच में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के रूप में आती रहती है। इसके लिए एग्रीकल्चर का ज़्यादा इश्यूज चल रहा है, पर डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम के अंदर दो तीन योजनाएं भी थोड़ी बहुत आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो है कंज्यूमर अफेयर्स को लेकर, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ऑनियंस, आपकी जो प्याज नाम की इनफैक्ट पैदाइश है, उसको लेके इश्यूज चल रहे हैं। अब क्या इश्यूज चल रहे हैं? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टॉकिंग को लेके, स्टॉकिंग मतलब आप कितना स्टोर कर सकते हो वो बात होती है, ट्रेडर्स को बोला है कि आपकी एक लिमिट होगी, इंक्लूडिंग बैन एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियंस। अरे बाप रे बाप, हमने ऑनियन का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, क्यों ऐसा हुआ? तो पिछले 3-4 दिन से आपने न्यूज में अंदर पढ़ा होगा, तो ऑनियन का प्राइसेस बहुत चल रहा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही बढ़ रहा है, और इतना बढ़ रहा है कि बात मत करो। और प्राइसेस क्यों बढ़ता है? तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो आपके प्राइसेस का क्या हालत होगा? द प्राइसेस विल इंक्रीज, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आपके भाव बढ़ने ही है, बढ़ने हैं कि नहीं बढ़ने हैं? तो ऑनियंस में भी यही चल रहा था, दिक्कत यहां से ही है। अब व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो इतनी सारी ऑनियंस का प्राइसेस आपका बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्सपोर्ट का जो रेट है उसको कह दिया है कि भाई आपको मिनिमम इतना प्राइस के ऊपर ही बेचना है। अब $850 अगर आप देखोगे उसका जो एफओबी का जो मेट्रिक टन का जो प्राइस है, अगर उसको बेचोगे तो सामने वाला कोई खरीदेगा नहीं, बोले इतना महंगा कौन खरीदेगा तुमसे, तो आपका एक्सपोर्ट डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इंक्लूडिंग रिटेल सेलर्स को कहा गया है 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं रखने का,
और होलसेल को 500 क्विंटल्स की टाइमलाइन दिया गया, उससे ज्यादा नहीं देना है। जब ये करेंगे तो आपका एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, लोकल मार्केट में ऑनियन की अवेलेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद प्राइसेस आपके कंट्रोल में होंगे। अब दिक्कत क्या है, ऑनियन भारत के 3 राज्यों में सबसे ज्यादा होता है। कौन से स्टेट से याद रखेगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड एमपी। महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड एमपी के लिए कहा जाता है कि अराउंड 60-90% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑनियन इज डन बाय दिस थ्री स्टेट्स। ये 3 स्टेट से आपके 60-90% ऑनियन प्रोडक्टिविटी होती है। अब ये तीनों के तीनों स्टेट्स के बारे में अगर आपको जानकारी होगी कि ऑनियन कैसे होता है, तो ऑनियन रबी में भी होता है, याद रखेगा, ऑनियन खरीफ में भी होता है, ऑनियन लेट खरीफ क्रॉप के रूप में भी होता है। अब जनरली क्या हुआ, अभी आज की तारीख के अंदर ऑनियन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो अक्टूबर महीने तक आते आते, सितंबर एंड और अक्टूबर तक आते आते आपका जो खरीफ का क्रॉप है वो मार्केट में आ जाता है। बट द प्रॉब्लम इज कि इस साल बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन, और महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, ये 3 स्टेट्स में तो मतलब इतनी बारिश हुई कि बात ही मत करो, तो सप्लाई साइड इश्यूज क्रिएट हुए। क्या हो गया है, सप्लाई साइड इश्यू। अब ऑनियन इज नॉट अ पेरिशेबल प्रोजेक्ट, इट इज नॉट अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, आई वुड से वो लंबा खींच सकता है, ऐसा नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि उसके अंदर इतने सारे इंटरमीडियरीज है और इन सब ने स्टॉकिंग कर दिया और ये इनको एक्सपोर्ट में ज्यादा प्राइजेस मिलता है। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है कि उसको प्राइजेस जहां पे मिला वहां पे वो बेच देगा, समझे आप लोग। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बनाया है, ऑनियन को लेके अच्छी अच्छी सरकारें गिर भी गई है। इफ यू आर अवेयर 1980 के अंदर इंदिरा गांधी ऑनियन के इश्यू को लेके इनफैक्ट पावर के ऊपर आएगी अगेंस्ट द जनता पार्टी, और 1998 में वाजपेयी साहब ऑनियन को लेके गिर जाते हैं। तो ऑनियन है ना भाई, सरकारें बनाते भी है, सरकारें तोड़ती भी है, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखेगा ऑनियन को लेके। उसके बाद नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब जल शक्ति ने अभी इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 10 ईयर्स रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी प्रपोज किया है। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत ही एक बात हुआ है, वो है नेशनल वाटर पॉलिसी। अब नेशनल वाटर पॉलिसी बात करते हैं, उसके बाद आपका रूरल सैनिटेशन के ऊपर जाऊंगा मैं। नेशनल वाटर पॉलिसी भारत के अंदर 2012 में लास्ट अपडेट हुआ था। इसके पहले नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 में आया था, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2012 में अभी अपडेट हुआ है। अब दिक्कत क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द नेशनल वाटर पॉलिसी। नेशनल वाटर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए, और इसी के कारण इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो नेशनल वाटर पॉलिसी को अपडेट करने की बात कर रही है। लास्ट अपडेटेड 2012 में था, करंटली 2019 में है। वाटर यूज आपका चेंज हो गया है, पॉपुलेशन आ गया है, और SDG का जो गोल नंबर 6 है वो भी हमको फॉलो कर रहा है। SDG का गोल नंबर 6 अगर आपको जानकारी होगी तो इंडिया में पानी को लेकर बहुत सारी किल्लत है। ये UN का डेटा आपको क्या बता रहा है कि वाटर रिलेटेड इश्यूज क्या क्या है, इंक्लूडिंग अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 500 मिलियन जो है वो पानी के कारण, इनफैक्ट ड्रॉट के कारण इनको तकलीफ हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द नेशनल वाटर पॉलिसी, तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अभी सोचा है कि नेशनल वाटर पॉलिसी को रिवाइज किया जाए, इंक्लूडिंग अभी एक प्रपोजल हो रहा है, वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। जैसे आपने BEE का नाम सुना होगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो जो स्टार रेटिंग देता है ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, हाँ देखा है कि नहीं देखा, तो उसी दौर के ऊपर आपका वाटर यूज एफिशिएंसी को लेके भी ब्यूरो बनने वाला है। ये बनेगा तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इंडिया वाटर वीक को भी इनॉग्रेट किया, याद रखेगा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इंडिया वाटर वीक को भी इनॉग्रेट किया है। और ये इंडिया वाटर वीक अगर आप देखोगे तो ये उसका 6th वो है ईयर है, 2012 से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस बार वाटर का मैनेजमेंट को लेके कैसे हम लोग को उसका सॉल्यूशन लाना है उसको लेके ये वाटर वीक को सेलिब्रेट किया है। इसमें यूरोप और जापान को हमने पार्टनर कंट्रीज के रूप में भी रखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है 10 ईयर्स रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी। अब ये क्या है, हमने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया है, पता ही होगा स्वच्छ भारत मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, समझे कि नहीं समझे। अब आज की तारीख में गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भाई हमने कंप्लीट कर दिया है स्वच्छ भारत मिशन को। अब दिक्कत यह है कि स्वच्छ भारत मिशन का कंक्लूजन आपका सेलिब्रेट हम लोग करेंगे आज से 2 दिन के बाद, दैट इज द 2nd अक्टूबर 2019 150 ईयर्स ऑफ गांधी जी होते हैं,
और इसी के कारण हम लोग उसको कंक्लूड कर रहे हैं ऑन द स्वच्छ भारत मिशन। अब ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना एक अलग बात है, बट साथों साथ आपका बिहेवियर चेंज कैसे करना है, लोगों को कैसे और अवेयर करना है और उनको पुश करते रहना है टू नॉट टू डेफिकेट इन द ओपन एरिया, हाउ टू मैनेज द सॉलिड वेस्ट इंक्लूडिंग आपका जो प्लास्टिक पॉल्यूशन का इश्यूज है उसको लेके हमने 10 इयर्स यूरल सैनिटेशन स्ट्रेटेजी बनाई है, जो 2019 से लेके 2029 तक, 2019 से लेके 2029 तक चलती रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसके अंतर्गत आपके जितने भी एरियाज हमने ODF फ्री कर दिए हैं उसका पूरा डेटा आपको यहां से मिल जाएगा, और ये स्ट्रेटजी अगले 10 साल तक, वरना तो क्या होगा, आज हमने टारगेट अचीव कर लिया फिर पब्लिक फिर बाहर जाना शुरू कर देगी, फिर कचरा करना शुरू कर देंगी, वो ना हो इसके लिए हमने 10 ईयर्स की स्ट्रेटजी अभी से ही बना दी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत लंबी सोच है, बहुत अच्छी बात है। स्वच्छ भारत मिशन का गोल्स है, आप इसके अंदर से पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छी खासे गोल्स इसके अंदर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को लेके। अब देखो, ट्राइबल अफेयर्स ने एक सेलिब्रेशन चालू किया है, महोत्सव है जिसका नाम है आदि महोत्सव, नाम ही है आदि महोत्सव। तो आदिवासी समाज जो है, इंडिया का जो ट्रेडिशनल ट्राइबल कम्युनिटी है, वो लोग बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो जंगल में मिलने वाले जो भी जड़ी बूटियां है, जो भी छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट है, उनको एक मार्केट मिल जाए ये सब पॉइंट्स के ऊपर, बाम्बू के ऊपर, केन्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, गम्स के ऊपर, उनकी बहुत सारी चीजें अगर आप देखोगे, उनके पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको बाजार देने के लिए और पब्लिक को एक अवेयरनेस लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आदि महोत्सव सेलिब्रेट किया है। याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड करके एक संस्था है। क्या नाम है? ट्राइफेड। ये ट्राइफेड नाम की जो बॉडी है वो इनफैक्ट इसको सेलिब्रेट करती है। ट्राइफेड का स्थापना 1987 में हुआ था एंड इसका नाम है ट्राइबल फेडरेशन। समझे कि नहीं समझे? अब अभी तक हमने ऑलरेडी 12 से ज्यादा आदि महोत्सव कर दिए है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोर देन 12 आदि महोत्सव इन डिफरेंट स्टेट्स। तो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं, वो लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती रहती है। लास्ट ट्राइबल जो फेस्टिवल आदि महोत्सव हुआ था, अभी हुआ था लद्दाख के अंदर 9 डे का, अभी जो हो रहा है वो नोएडा में होगा, इसके बाद भी होता रहेगा, तो मैं आपको आगे के अंदर कराता रहूँगा। ये ट्राइबल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने के लिए ये ट्राइफेड ने एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्राइब्स इंडिया। क्या नाम है? ट्राइब्स इंडिया। टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी जो लोग इंडिजिनस नॉलेज से बनाते हैं, इसके लिए ट्राइब्स इंडिया नाम की इनफैक्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, आदि इत्यादि जितने भी आपके ऑनलाइन चैनल्स है, प्लेटफॉर्म्स है, उसके द्वारा भी उसको बेचा जाएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, करीबन 20 से ज्यादा स्टेट्स के पार्टिसिपेंट इस बार आदि महोत्सव के अंदर भाग ले रहे हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए। समझे कि नहीं समझे? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज नोन एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी जो अभी न्यूज के अंदर चल रही है, क्योंकि आपके 2-3 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने हैं, उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे, जैसे हरियाणा के अंदर होने हैं, महाराष्ट्र के अंदर होने हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों है? क्योंकि 2 सीट्स अभी वैकेंट हुई है। कौन सी? तो अरुण जेटली साहब की और राम जेठमलानी साहब की। ये दोनों की दोनों सीट्स अगर आपको जानकारी होगी तो बिकॉज ऑफ देयर डेथ ये वैकेंट हुआ है। अब यहाँ से राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, आपको 2-3 पॉइंट पता होना चाहिए कि हाउ द राज्यसभा इलेक्शन टेक्स प्लेस। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब राज्यसभा के जो बाई इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? तो राज्यसभा का टर्म कितना है? 6 साल का। अब बाई इलेक्शन जब होंगे तो इन्होंने अगर से फॉर एग्जांपल 3 ईयर कंप्लीट कर दिया है तो जो नए एमपी आएंगे वो 3 साल तक ही आएंगे, क्योंकि वो 6 साल में टर्म उनका कंप्लीट होना है, तो वो एक वैकेंसी के रूप में है इसके लिए। पहली बात आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा में ओपन बैलेट से वोटिंग होती है। ओपन बैलेट से वोटिंग का मतलब क्या है कि आप जो ईवीएम में करते हो वो सीक्रेट बैलेट है, राज्यसभा में वो ओपन बैलेट के रूप में होगा। तीसरा पॉइंट, राज्यसभा के अंदर आपको पता होना चाहिए कि दैट इज द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर हम लोग यूज करते हैं वही होता है। और राज्यसभा की वोट्स के अंदर कौन वोटिंग करता है? तो आपके MLAs होते हैं, वो वोट करते हैं।
और बैलेट पेपर से वोटिंग जनरली राज्यसभा के अंदर होता है, आपका ईवीएम और वीवीपैट वाला कंसेप्ट नहीं यूज होता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज में था। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी न्यूज के अंदर है क्योंकि आपकी सोशल मीडिया का जो रोल है उसको लेके इश्यूज चल रहा है। अब जैसे ही चुनाव लागू होते हैं, आपको पता होगा, व्हेन द इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड, तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं उसको, एमसीसी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर एक पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग जितने भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं उनको फॉलो कराने के लिए बोलती है। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो एक लीगली एनफोर्सेबल कोड है। मतलब क्या है कि अगर आपने उसका उल्लंघन किया, इफ यू डू नॉट फॉलो द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो आपको पनिश भी किया जा सकता है। उसके सामने आता है आपका कोड ऑफ एथिक्स। क्या आता है? कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स एक नया वॉलेंटरीली डिस्क्लोजर है जहां पे नैतिकता के रूप में आपके जितने भी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उसको फॉलो करेंगे। दिस इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल आई वुड से कोड ऑफ एथिक्स, बट जो पॉलिटिकल प्रोपोगंडा होता है, जैसे पेड न्यूज हो गए, जैसे फेक न्यूज हो गए, जैसे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे अफवाहें चलती है, र्यूमर्स चलते हैं, उसको ना करने के लिए आपके जितने फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है आदि इत्यादि हैंडल्स, वो खुद से ही नैतिकता के रूप में एक नियमों का पालन करेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि आपके इलेक्शंस अभी होने वाले हैं, खास करके कहाँ पे, महाराष्ट्र हरियाणा के अंदर और बाकी आगे के फ्यूचर के अंदर इलेक्शंस होंगे, वहां पे उसको फॉलो कराएंगे। और किसी ने फेक न्यूज डाला तो उसके पेज को स्टॉप कर दिया जाएगा, उसकी पोस्ट को डाउन कर दिया जाएगा, रिपोर्ट अब्यूज होता है, ये सब चीजें इनफैक्ट कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आएगी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी एक कैम्ब्रिज एनालिटिका लेके इश्यू चल गए थे, जो लास्ट इलेक्शन में बहुत इश्यू आया था, ये फेसबुक का जो डेटा था उसको एनालाइज करके आपको जो पॉपअप्स होती है ना एडवर्टाइजमेंट के रूप में आपके फेसबुक पेज के अंदर मिलती है, उसको लेके दिखाया करता था और आपको प्रोपोगेट करता था रिगार्डिंग अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो अब बोला गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नैतिकता से खुद से ये लोग अपना फॉलो करेंगे। तो कभी मेंस के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, विच इज मोर रिक्वायर्ड, कौन सा ज्यादा रिक्वायर्ड है, एथिक्स रिक्वायर्ड है कि कंडक्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो आपको ये पीआईबी का समरी कैसा लगा, किस हिसाब से अप्रोच करना है, मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझाया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस अनअकैडमी राइज चैनल। इंक्लूडिंग मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो मेरा कोड पीएन नाम का यूज करिएगा। और कल से 1 अक्टूबर 2019 से द रेट्स आर सब्जेक्ट टू रिविजन। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो टुडे इज़ द लास्ट डे, उसके अंदर आप ये कर दीजिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको फीडबैक फॉर्म भी मिलेगा, वो फीडबैक फॉर्म के ऊपर आप लिंक के ऊपर क्लिक करिए और आप अपने सुझाव, यू कैन गिव अस द रिकमेंडेशंस कि आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर हम लोग पक्के से काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।